नमस्कार, साकार एग्री इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आपका जो इंतज़ार था जेट रिजल्ट का, जेट की काउंसलिंग का, वो ख़त्म हो चुका है। और आज जो हम ये जो सेशन आपके लिए लेके आए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है कि आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है, कौन कौन सी कॉलेज भरनी है और कौन कौन से बच्चों को कितने नंबर तक काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्या क्या कट ऑफ रहने वाली, संपूर्ण जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। और आपको मैं विशेष करके ये चीज़ बता दूं कि आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देखना, इसमें विशेष वो बातें की जाएगी जो आपने चाहे साल भर मेहनत की हो, चाहे आपने 2 महीने क्रेश कोर्स किया हो, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप 4 साल आपको कॉलेज के कहाँ स्पेंड करने, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिलेगी कि आपको कैसे काउंसलिंग करवानी, पहले कौन सी कॉलेजों को भरना है, बाद में कौन सी कॉलेजों को भरना है। बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी कॉलेज में जाने वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, काउंसलिंग मिस्टेक करते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जो मतलब प्राइवेट कॉलेज भर लेते हैं या फिर कोई छोटी मोटी कॉलेज जहां उनके अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी वो क्या कर जाते हैं कि वहां लॉस कर बैठते हैं। इस वजह से आपको क्या करना है, पूरा पूरा वीडियो देखना। इसमें एक आपको आपके सामने कॉलेज का पूरा फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको काउंसलिंग करनी है। और दूसरी विशेषकर बात यह है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर आपने इसी साल 12वीं की, तो आपके 12वीं की मार्कशीट स्कैन की जाएगी। और अगर आप पिछले साल से अगर पास आउट हो तो आपको किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता काउंसलिंग के अंदर नहीं है, ठीक। तीसरी बात ये रहेगी, अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हो और आपको इतना बताने के बावजूद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप संस्थान से कांटेक्ट करें और हम आपकी, हमारी जो पूरी टीम आपको हेल्प करेगी और यहाँ आके आप काउंसलिंग करवा सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि जो ये काउंसलिंग आपकी जो हो रही है, इस काउंसलिंग के अंदर आपकी जो फीस है वो 5,000 रुपये आपकी लगनी है, जो आपके जो कॉलेज है कॉलेज के अंदर जमा हो जाएगी। आप जब भी जाओगे उसमें जो कॉलेज फीस रहेगी उसके अंदर आपकी 5,000 रुपये आपकी कम फीस लगेगी, ठीक है। अब आपको जब आप काउंसलिंग करवाने के लिए जाओ तो ई मित्र पे अगर आप जाते हो तो 100 रुपये जो भी उनकी फीस है वो लगेगी। दूसरी आपकी जो ऑनलाइन जो फीस कटनी है वो आपकी ऑनलाइन फीस कटेगी 5,000 रुपये जो आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको साकार के रिजल्ट की ओर लेके चलता हूँ, क्या CUET का रिजल्ट है, क्या जेट का रिजल्ट है और क्या कृषि प्रवेश का जो स्कोर कार्ड रिलीज हो गया है। CUET का जो अपने स्कोर कार्ड है वो रिलीज हो चुका है लेकिन रैंकिंग आनी बाकी है, और जेट का रैंक कार्ड रिलीज हो चुका है। तो मैं आपको बताऊँ कि हमारे पिछले बैच का यानी कि इसी सेशन का जो स्टूडेंट है थानाराम, जो 12वीं के साथ में ऑल राजस्थान में वर्ग में कौन सी रैंक लेके आया, 3री रैंक, ये तो आपका है जेट का रिजल्ट। अगर मैं CUET की बात करूं तो इसी थानाराम के 407 नंबर इस बच्चे ने हासिल किए हैं। अब इसका रैंक कार्ड आना बाकी है CUET का, ठीक है। और दूसरा जो हमारे साथ में मोहन जी सर, वो थोड़ा सा आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो स्कोर कार्ड रिलीज हुआ है उसमें आपको थोड़ा बताएंगे और बाकी ये भी बताएंगे कि कौन कौन से बच्चों को काउंसलिंग करवानी चाहिए, कितने स्कोर तक काउंसलिंग करवानी चाहिए और इसका क्या मकसद है कि कम नंबर पे भी इस बार कॉलेज मिलेगी, वो आपको थोड़ा सा मैं बात करूंगा मोहन जी सर से। आइए सर। बिल्कुल DP सर, आपका धन्यवाद। हाँ साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काफी आपके ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मन में घूम रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो रिजल्ट है 2024 को, जो अपना पेपर लगा था 4 फरवरी को, वो आ चुका है और उसके अंदर 2 गुना बच्चों को पास कर दिया गया है। उसके अंदर भी अपने अच्छे बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत कम समय में, कम बच्चों के साथ में अपने काफ़ी बच्चे जो हैं वो उसके साथ में क्वालिफाई हुए हैं। तो अभी आप लोगों के पास में स्कोर कार्ड आ चुका है, अभी आपके जस्ट लगभग अगले महीने आपकी जो है, आप ऐसे मान सकते हो कि आपके DV स्टार्ट हो जाएगी और बहुत जल्दी आपको जो है एक सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। देखिए साथियों, पहले मैं अगर बात करूं कि आप लोगों के पहले मन में एक प्रश्न आ रहा है, आज अपन मेन जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं जेट की बात करने वाले हैं, उसके साथ साथ में अपना एक और वीडियो आएगा CUET को लेकर। बहुत से बच्चे इसी क्रैश कोर्स के अंदर मात्र 50 से लेकर 60 दिन के अंदर पढ़ के अच्छी अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जाने वाले हैं।
बहुत उन्होंने तगड़ी मेहनत की, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसे हमने उनको कहा कि आप इस प्रकार से मेहनत कीजिए, उन लोगों ने, उन बच्चों ने इस प्रकार से मेहनत की कि उनको एक साल ड्रॉप नहीं करना पड़ा। बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा अपना सिलेक्शन रेशियो है, बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो अपने जेट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में सीयूटी के अंदर भी क्रैश कोर्स में पढ़े हुए बच्चे जो है वो जो है अपने जा रहे हैं। तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स के मन में भी ये क्वेश्चन है, बच्चों के मन में भी ये क्वेश्चन है कि सर मेरे कितने नंबर आए तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, क्या सर मेरे कम नंबर हैं तो क्या मैं काउंसलिंग में भाग ले सकता हूं, काउंसलिंग कराऊं या नहीं कराऊं, ये बहुत बड़ी बातें होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज या अपन बात करें कि इस साल का जो जेट का पेपर था वो काफी डिफिकल्ट पेपर था, फिर भी काफी लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, जिसके अंदर अपना जो थानाराम है वो भी एक अच्छा स्कोर के साथ में उत्तीर्ण हुआ है, और भी बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, अच्छा उनका रिजल्ट आया है। जब फाइनल कॉलेज है आप लोगों के पास में, हमारे पास में आ जाएगी, बच्चे जो हैं सारी की सारी कॉलेज के अंदर चले जाएंगे, फिर हम आपके सामने आएंगे, पूरा का पूरा जितना भी रिजल्ट है वो आपके सामने हम पेश करेंगे। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस साल पेपर थोड़ा सा हार्ड होने की वजह से संभावना जताई जा रही है कि इस साल जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी पिछले सालों से कम रहने वाली है। अगर आप लोगों को सरकारी कॉलेज की चाहत है तो सरकारी जो कॉलेज है अभी नए नए भी खुले हैं, कुछ 2-3 साल पहले खुले हैं, कुछ थोड़े उससे पहले खुले हैं। इस प्रकार से अपने राजस्थान के अंदर 5 एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी हैं, आप लोगों को वो भरनी है, उसके बाद में काउंसलिंग किस प्रकार से करनी है वो उसके ऊपर ही हमारा पूरा वीडियो है आज का। मैं आपको बता देना चाहता हूं जिन बच्चों के 130-140 नंबर भी हैं, ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, उन बच्चों को एक बार काउंसलिंग में भाग जरूर लेना चाहिए। फिर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पैसे कट रहे हैं 5,000 रुपए, आपके पैसे अगर आपको कॉलेज मिलता है तो ओके, नहीं मिलते हैं तो उसी खाते के अंदर आपका पेमेंट जमा हो जाएगा जिसमें आपने पेमेंट को कटवाया था। इन बात का ध्यान रखें, ये रिफंडेबल जो है लिस्ट भी आती है, आधे पेरेंट्स को पता भी नहीं लगता कि ये पैसे वापस आते हैं, ई मित्र वाले से पैसे कटवा देते हैं और ई मित्र वाला मना कर देता है कि मेरे पास तो पैसे वापस नहीं आए। इसलिए कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स, अपने घर वालों का जो अकाउंट है उनसे ही पैसे कटवाएं, इस बात का अवश्य रूप से ध्यान रखें। उसके बाद में जब लिस्ट आएगी हम आपको अपडेट जरूर दे देंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ सकती है या आ रही है तो आप हमें कॉल कर सकते हो या फिर हमारे से मिल सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, हम कभी भी आप मेरे को मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, फोन करें, हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। तो देखिए साथियों ये थानाराम नाम का बच्चा आ गया, अब आपसे बात करते हैं कि नेक्स्ट सुपरवाइजर की वैकेंसी, ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, आप ऐसे मान के चले जो भी साथी जेट क्लियर कर चुके हैं वो मान के लग जाएं, आपको फटाफट से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की ओर अग्रसर होना है। और उसके साथ साथ में मैं अपने एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर हैं जो पिछला 2024 की वैकेंसी लगी है उसके अंदर भी आपको स्कोर बता देना चाहता हूं। बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बच्चों ने मेहनत की और साकार के अंदर 242 नंबर के साथ में अपना स्कोर कार्ड आ चुका है, भगवान साय बच्चे का नाम है, और जैसे ही बच्चे का रिजल्ट आ जाता है हम लोग भाई उसको साथ में यहाँ लेके आएंगे, आपसे बातचीत करवाएंगे और आप लोगों को ये बताएंगे किस प्रकार से उस भाई ने मेहनत करी है, किस प्रकार से आपकी सुपरवाइजर को लेके रणनीति होनी चाहिए, इन बातों का अपने को ध्यान रख लेना है। अभी आप लोगों को सारी की सारी बातें अपन सुपरवाइजर के बारे में बाद में करेंगे, ये साकार का अपना रिजल्ट भी था, आप लोग हमें मैसेज या फोन कर सकते हो, ये मेरे पर्सनली नंबर रहे, आप लोग इस पे भी कर सकते हो, और हमारे जो डीपी सर अपने साथ में हैं इनके नंबर पर भी आप लोग कॉल कर सकते हो, ये अपने जो है पर्सनली मोबाइल नंबर है, आप लोग इस पे कॉल करके पूछ सकते हो कभी भी। बाकी इसमें ये नीचे जो आपको दिख रहे हैं यस ये तो नीचे दिख रहे हैं ना, ये आप लोग आराम से कर सकते हो, यानी कि काउंसलिंग रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम आती है। अब हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हो, आपको एक इसमें जो हमने यानी कि यहाँ के क्षेत्र के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाई कि जैसे अपने बाड़मेर, जैसे थोड़ा सा और भूल गए कि सर कितने तक है ना इनको काउंसलिंग करवानी चाहिए, बताया ना आप लोगों को ओबीसी जो है 130-140 नंबर है तो आप एक सेफ जोन के अंदर हो सकते हो। ये है कि आपके चाहे कोई भी हो कैटेगरी, चाहे कोई भी 130 से अगर आप स्कोर है बुक रहे, 130 अगर कर रहे हो तो आपको काउंसलिंग करवानी है। एसटी और एससी जो है वो 120 प्लस भी है तो एक बार आप काउंसलिंग में भाग लीजिए, नो डाउट। जनरल की बच्चे 150 की प्लस ही आप लोग देख लीजिए, बाकी तो मुझे लगता नहीं है। बाकी आप पेमेंट शीट और नॉर्मल शीट में भी क्या अंतर होता है मैंने पहले एक वीडियो में बता दिया है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। पेमेंट शीट का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे देके उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ कंडीशन होती है। थोड़ा आपको और भी बताएंगे आगे मैट्रिक्स को लेके आएंगे तब उसमें आपको पेमेंट शीट के बारे में और इजी वे में बताएंगे, ठीक है। और आप जो ये है कि अब कट ऑफ क्या रहनी है वो बातें दूर की है,
आपको काउंसलिंग कैसे करनी है और कौन सी कॉलेज भरनी है वो आपके सामने हम रख देते हैं। और आपको ही बता रहे 130 से अगर प्लस है 130 तक आपका स्कोर है आप काउंसलिंग करवा दो। उसमें कि सर मैंने तो आपने बताया कि 5000 रुपये पेमेंट लगेगा फिर हमारा पेमेंट नहीं, आपको जो आप 5000 रुपये जो आप पेमेंट जो पे कर रहे हो अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपका ये पेमेंट चला जाएगा जिस कॉलेज को जो कॉलेज आपको मिला उस कॉलेज के अकाउंट, अगर नहीं मिलता है तो आप जिस अकाउंट से आप पेमेंट ये कटवा रहे हो उसी अकाउंट में आपको वापस पेमेंट आ जाएगा। कुछ दिन बाद में क्या होगा एक पीडीएफ आएगी जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि ये पेमेंट यहाँ पे आपको सेंड ये पेमेंट कहाँ होगा। आप लोग ऐसे मान के चलो कुछ किसी कॉलेज की फीस 15000 रुपए है तो आपके यही 5000 रुपए उसी कॉलेज की फीस में एड हो जाएंगे। आपको पहले सेमेस्टर की अगर उनकी 15000 रुपए फीस है तो आपको वहां पे पहले सेमेस्टर की फीस आपको 10000 रुपए करनी पड़ेगी, ये हम बताना चाहते हैं। चलिए 5000 रुपए ये आपके वहां जमा हो। बिल्कुल बिल्कुल, अब सब बढ़ते हैं थोड़ा आगे फटाफट। अब आपको जल्दी आपको लेके चलते हैं। देखो आपको पहले है ना कॉलेज एक बार बता देते हैं कि ये है हमारी तरफ से तैयार की गई कॉलेज है। क्या आपको वास्तविकता के साथ आपको कौन सी कॉलेज भरनी चाहिए और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए और सीट टाइप क्या रखना है। देखो कि सीट टाइप होता है या फिर कॉलेज, कॉलेज बोले तो पहली चीज होती है कॉलेज खुद तीन प्रकार की। कैसे कि एक तो यूनिवर्सिटी, एक नॉर्मल कॉलेज, ठीक है ये मतलब उस यूनिवर्सिटी के अंडर में आ रही है, और एक प्राइवेट कॉलेज। हम किसी आपको किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए सजेस्ट नहीं करते, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि जो ये कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटी उनके लिए तो हम आपको बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी पांचों भरो उसके बाद कॉलेज भरो, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर एक चीज और आ रही है जो पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट। तो हम अगर आप देखोगे तो सारी की सारी जो आप देखोगे इसके अंदर नॉर्मल सीट एक भी किसी भी पेमेंट सीट के लिए हम आपको सजेस्ट नहीं कर रहे। अगर वो है कि आपकी पारिवारिक कंडीशन अगर बढ़िया है और अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा स्कोर कम है या फिर मेरा स्कोर है नॉर्मल कॉलेज अच्छी यानी कि सुमेरपुर मिल रही लेकिन मेरा स्कोर पेमेंट में वो भी है जो मैं आरसी कॉलेज से एजुकेशन ले सकता हूं, तो फिर आपकी अगर पारिवारिक स्थिति बढ़िया है तो आप खुद आपके अनुसार आप भर सकते हो कि मैं 4 साल इतना पेमेंट मेरी फैमिली अफोर्ड कर सकती है नहीं। बल्कि हम आपको किसी भी प्रकार का ये फोर्स नहीं करेंगे कि आप पेमेंट सीट लगाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मल सीट से अगर कहीं सेलेक्टेड हो अच्छी बात है, यहां से आप डिग्री करो, ठीक है। अब हम मैंने आपको बताएंगे कि हमारे जो ये अगर आप इसमें लास्ट तक अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको नजर आएगी, देखिए एक बार 68, ठीक है 68 कॉलेज हैं। अब इसमें मैं आपको एक बता दूं कि गवर्नमेंट सीट कितनी, बहुत सारे आपके ये माइंड में बना रहता है कि अगर आप इसमें अगर देखोगे तो 3891 के समथिंग आपके ये क्या हो जाएगी नॉर्मल सीट की गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो हमने जो ये 68 कॉलेज का जो ये बढ़ाया ये आप इतनी भरोगे ना जो हमने ये नॉर्मल जो कर रखा है इसके अंदर जो मैट्रिक्स जो तैयार हुई है 3891 सीट है, ठीक है। और 587 सीट आपके कौन सी है 587 आपके ये है आपके पेमेंट, ठीक है। तो ये आपके है ना समथिंग आपके 4400 के करीबन जो है पूरी की पूरी सीटें बन रही है। हालांकि हम आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा आप ये पेमेंट सीट भरो, लेकिन नॉर्मल 3891 सीट है जो आपको पता होगा कि 38000 फॉर्म आए थे, 34000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, 34000 बच्चों के अंदर अपने को 3891 के अंदर अपनी रैंक को लाना है और उसके अंदर अपने को नॉर्मल सीट के अंदर एडमिशन लेना। अब आप आपकी आंकलन कर सकते हो। हाँ ये नहीं है कि 3891 अगर कोई जनरल कैटेगरी की रैंक है तो क्या मेरे को मिल जाएगी, नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज है वो भी सीटें लेके जाएंगी, इसलिए उनका ये हम दावा नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन ये है कि आपका 3891 तक जो भी है रैंक कार्ड है जो जनरल सीट के दावेदार जरूर बनते, ठीक है। फिर अब चलो अब हम आपको एक बार स्क्रोल करके पूरी की पूरी आपको बता देते कि हमने किस हिसाब से तैयार किया। आप देखोगे तो फर्स्ट से हम आपको बताते हैं क्या है Z2024 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन जोधपुर ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट किया है और उसके अंदर ये कॉलेज भरनी है, ठीक है। अब उससे पहले हम क्या करते हैं आपको वहां लेके जाते हैं कि कैसे काउंसलिंग स्टार्ट करनी, वो एक बार मोहन जी सर से मैं बोलूंगा कि आप वो स्टार्ट करो, उसके बाद में हम आपको पूरी की पूरी लिस्ट बताएंगे कि हमारे क्षेत्र के अपने क्षेत्र के अनुसार अगर कोई लड़की है तो उनके लिए कौन सा कंफर्टेबल क्षेत्र रहता है, कोई लड़का है जिनका पारिवारिक स्थिति बढ़िया नहीं है
उनको कौन से कंफर्टेबल क्षेत्र कौन सा रहेगा उसके अकॉर्डिंग पूरी पूरी बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि काउंसलिंग स्टार्ट कहां से करनी कैसे करनी। अगर हमारे पास नहीं आते किसी आप ई मित्र पे जाते हो तो कौन सी वेबसाइट आप सर्च करो और उनके अंदर कैसे फिलअप करनी होती है कॉलेज। चलो सर एक बार ठीक है भैया, देखो आप लोग एक चीज मैं थोड़ा फास्टली बताऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, आप भी परेशान हो जाओगे, इस चीज का अपने को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। नंबर एक केस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आप क्रोम के ऊपर है ना, गूगल के ऊपर आप लोग सर्च कीजिए एयू जोधपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपको जेट 2024 देखा हुआ मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करते हो उसके बाद में आप लोगों से आपका यूजर नेम, सर यूजर नेम मुझे तो पता ही नहीं है, आपका जो जीमेल आपने फॉर्म में भर रखा था वो, उसके साथ साथ में आपके पासपोर्ट वो आपको करने पड़ेंगे और नीचे कैप्चा है, और कैप्चा लगाने के बाद में आप लोग जैसे इसको ओपन करते हो तो आप लोगों के पास में ये आ जाएगा। क्या ये बात आप लोगों के पल्ले पड़ रही है? यहाँ तक तो बहुत इजी वे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप लोगों के पास में प्रिंट जो ऑब्जेक्शन रिसिप्ट है उसके बारे में बात कर सकते हो, अगर आपने ऑब्जेक्शन लगाया है तो। आपकी OMR सीट पहले से आपने देख ली होगी, प्रिंट स्कोर कार्ड भी आपने देख लिया होगा, उसके बाद में चेंज पासपोर्ट, ये बातें आप लोग छोड़िए। यहाँ हमारे को पता होना चाहिए कि फिल ऑप्शन फॉर्म आपको यहाँ क्लिक करना है। ध्यान रहे हमारे को यहाँ पे क्लिक करना था, इस प्रकार से हमारे पास में इंटरफेस आया। अब यूजर नेम इसके अंदर वापस पूछ रहा है, जैसे ये कोई बच्चा है, जैसे हम अपना ही कोई बच्चा है, इसके अंदर मैंने क्लिक कर दिया तो ये बच्चे की वापस अपने पासपोर्ट वगैरह ये आ गए। तो आप लोग देखिए मैं पूरा का पूरा प्रोसेस, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन आप लोगों का इसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। सिंग इन कर लिया, यस वन। यहां से आप लोग देखिए आगे, ये आपका जेट का ऑप्शन फॉर्म, इसको आप एक बार रीड आउट जरूर कर लें क्योंकि इसके अंदर काफी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को बता रखी है कि OTP किस नंबर पे आना है, ऐसा वैसा कुछ। लेकिन अपने को यहां पे क्लिक मार लेना है और इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। क्लियर बात हो गई क्या? जैसे आप लोग करोगे तो यहां पे आप लोगों का इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। यहां पे आपके एप्लीकेशन नंबर है, यहां पे आपका नाम है, DOB है, जो आपके नॉर्मल तरीके से है वो अपने को ध्यान रख लेना है। यहां पे आप लोगों को ध्यान रख लेना है कि कोई भी बच्चा, अगर DP सर ने पहले बताया, अगर 12वीं क्लास का है, 12वीं इस साल पास की है उसका, उसने जब जेट का पेपर या फॉर्म भरा था उसमें 12th की मार्कशीट नहीं आई हुई थी, बाद उसने उस समय उसने रोल नंबर लगाए थे, उसके बाद रिजल्ट आया है, तो उस बच्चे की मार्कशीट है वो उसको साथ में ले जानी है। कंप्यूटर वाला स्कैन करेगा, उसके बाद में वो वहां डिटेल भरेगा, उसके बाद में ही उसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अगर मान लो कोई बच्चा एक साल पहले 12वीं पास करके बैठा है तो उसकी मार्कशीट जो है वो 12 महीने का क्या है वो पहले आ चुकी है, तो उसने तो भर दिया होगा, तो उसकी तो मार्कशीट आ रखी थी, तो उसको कोई 12th की मार्कशीट अभी ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग देखिए जरा, इस बच्चे ने 2023 के अंदर आप लोगों के कर रखी है तो अपने को पता होना चाहिए कि ये देखो आप राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये 2021 में बच्चा पास आउट है, आपके 600 नंबर, 10वीं क्लास पास कर ली, उसके बाद में 12वीं क्लास पास कर ली, तो ये बच्चा 2023 से पास आउट है ना, और अब की बात 2024 था, इस वजह से आप ये मान के चलो कि ये बच्चा पिछला है, एक साल गैप रख के बैठा है, एक साल ड्रॉप किया है। और जैसे आप लोग ये करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को कॉलेज की कैटेगरी चुनने का मौका मिलता है, तो आपको 1 और 2 जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है और यूनिवर्सिटी जो आपका कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है ये अपने को देखने को मिलेगा। ये अपने को फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ प्राइवेट कॉलेज दे रखा है और यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी दे रखा है, ये आप दोनों को भी आपको क्लिक नहीं करना है। ये ऑनलाइन चल रहा है, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ये ऑनलाइन चल ही रहा है। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं आप लोगों के पास में, और उससे पहले सीट का टाइप है। अगर आपकी पारिवारिक कंडीशन बहुत अच्छी है, आप इकोनॉमिकल बहुत मजबूत हो, तो आप लोग पेमेंट सीट को भी क्लिक कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मेरे अच्छे नंबर है तो आप पेमेंट शीट गलती से भी क्लिक ना करें, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। और इधर आप लोग हैं नॉर्मल, सर क्लिक नहीं करें, क्लिक आप कर सकते हो लेकिन बाद में पेमेंट शीट भरनी नहीं है, क्योंकि पेमेंट शीट अगर आप इसमें टिक नहीं करते हो तो आगे पेमेंट शीट वहाँ पे शो नहीं होगी, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ये एप्लीकेटेड जो अपन गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं ये अपने पास में होगी, और उसके साथ में यूनिवर्सिटी, ये फर्स्ट और सेकेंड। उसके बाद में विषय का चुनाव करना, तो मेन हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के बाद में हॉर्टिकल्चर है, हम जो हैं वो दो ही देंगे, फिर फॉरेस्ट्री हमारी तरफ से तो मना है, आप लोग अगर करते हो तो आप अपने स्तर पे कीजिए। कम्युनिटी साइंस, होम साइंस हम मना करते हैं, आप अपने स्तर पे कर सकते हो। फूड न्यूट्रिशन ये भी हम मना करते हैं, ये भी नहीं लेना अपने को। और फिशरीज साइंस ये भी अपने को नहीं लेना है। ये ध्यान रखें यहाँ पे बहुत ईजी वे में कॉलेजें भी मिल जाती है, तो अपने को इस फील्ड में नहीं जाना है, अपने लिए एग्रीकल्चर एवं हॉर्टिकल्चर। क्यों नहीं जाना है सर?
क्योंकि आगे आने वाले वैकेंसीज के अंदर आप लोगों को हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं आपको बाहर बैठने का मौका मिल सकता है, इसलिए हम नहीं कहेंगे कि इसके अंदर आप भरिए। अब आप लोग देखें ये बड़ा खेल है, जैसे कि अपेक्स यूनिवर्सिटी आ गई। अब अपेक्स आपको नहीं पता कि प्राइवेट है, क्योंकि इसको तो पहले दिख रहा है, तो आप लोग इसको टिक मार दोगे, जो कि अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपने पास में राजस्थान पूरे में 5 एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले नंबर पे दे रखा भैया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, एयू कोटा। उसके बाद में जगन्नाथ दे दिया, उसके बाद में महात्मा ज्योतिराव फूले दे दिया, ये सारी प्राइवेट है। लेकिन आप लोग देखो महाराणा प्रताप जो आपका यूनिवर्सिटी है, ये आप लोगों के पास में गवर्नमेंट है, तो अपने पास में ये दो आ गया। उसके बाद में आपका जो एस के आर यू है जो बीकानेर के अंदर है, उसके साथ साथ में आपका एयू जोधपुर, और उसके साथ साथ में हमारे एक हमारे पास में आ जाएगा एस के एन ए यू जो आपका जोबनेर के अंदर है। तो 5 हैं, 3 आप इधर देख पा रहे हो और आप 2 इधर देख पा रहे हो, क्लियर है क्या? और इसको अपने को करने के बाद में यहां क्लिक मार लेना है, तो ये बात पल्ले पड़ी। अब जैसे आप लोग देखोगे तो अपन ने देखो सीट का टाइप नॉर्मल भी चुना और पेमेंट भी चुना, सब्जेक्ट में अपने एग्रीकल्चर ले ली और हॉर्टिकल्चर ले ली। और एक चीज का ध्यान रख लेना, मैं काउंसलिंग में पहले ही बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे झालावाड़ वाली कॉलेज भर रहे हैं वो जो है तो आप लोगों के पास में होगा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, लेकिन कोष्टक के अंदर हॉर्टिकल्चर ही लिखा होना चाहिए तो वो हॉर्टिकल्चर की कॉलेज मिलेगा, नहीं तो फॉरेस्ट्री के अंदर काफी बच्चे हर साल ऐसी गलती कर जाते हैं, इस बात का आप लोग अवश्य रूप से ध्यान दें। अब आपके पास में बॉक्स 1 और बॉक्स 2 आ जाएंगे, इसके अंदर आप लोगों के पास में यहाँ पे सारी की सारी यूनिवर्सिटी देंगे और इसको अपन यहां से उठा के इस तरफ भरते जाएंगे। इस प्रकार से हमारे को इस प्रकार से इसको मैनेज करना है। अगर आप लोग मान के चलो कि आपने जल्दीबाजी में अंदर कॉलेज भर ली, हम लिस्ट तो आपको बता ही देंगे कि कौन कौन सी इस बॉक्स 2 के अंदर भरना है। अब आपके मान के चलो कि जैसे कोई बच्चा है, मान के चलो, अब मान के चलो कि इसके अंदर अगर बात करते हैं कि भैया किसी भी प्रकार से यहां से सर नहीं होगा ना, तो अपन ऐसे मान के चलो कि भैया यहां से अपन यहां पे जो है इधर अपन भरने का प्रयास करेंगे। अब कोई बच्चा मान लो डूंगरपुर का रहने वाला है, वो तो चाहता है कि मेरे को डूंगरपुर के आसपास का एरिया मिले, तो वो पहले हमारे जैसे बाड़मेर के हैं तो वो बाड़मेर का भरना पसंद करेंगे, जो भरतपुर के हैं वो भरतपुर का भरना पसंद करेंगे, जो जयपुर का है वो जयपुर की साइड में आसपास की कॉलेज भरना पसंद करेगा, एवं जो गंगानगर साइड का है वो उधर का भरने का पसंद करेगा। हर कोई अपने एरिया में रहना चाहता है क्योंकि रहने में आने में कोई दिक्कत नहीं रहे। अब मान के चलो आपके नंबर कम है तो आप तो पूरी लगाइए, क्योंकि अगर हो भी सकता है आप बाहर हो जाओ तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पूरे लगाना पड़ेगा। अब आपके पास में जो डीपी सर लिस्ट बता देंगे, उस लिस्ट को अपने को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अब जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास जैसे लिस्ट आ गई है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नौगांव अलवर है, पर ये यूनिवर्सिटी नहीं है। अब अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर केकड़ी। अब जैसे ये कॉलेज एक ऐड हुआ है, इसको जो है मैं अगर इधर ले आना चाहता हूँ तो अपन जो है जैसे इधर करेंगे तो ये कॉलेज इधर आ जाएगा। इस प्रकार से ये कंप्यूटर वाले का काम है, जो ई मित्र वाला बैठेगा उसका काम है, आपको इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक प्रकार का इंटरफेस है, आपको मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया है। अगर ई मित्र वाले को पता नहीं लग रहा है तो अपने को ये आप लोग जैसे करते जाओगे तो ये लिस्टें आती रहेगी और आप इसको आराम से आपके आ रहा। देखो यहाँ ना आप देखोगे पेमेंट शीट, नॉर्मल शीट, सारी सारी नॉर्मल शीट, और इधर आप देखोगे पेमेंट शीट कौन सी, एग्रीकल्चर नवगांव अलवर, ठीक है। अगर जैसे आप इसको यूं टिक करते हो, टिक करने के बाद में क्या होता है, याद रहेगी इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मस्त रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भले शो ना करें, आपके कंप्यूटर पे 100% वो शो करे, कंप्यूटर पे शो हो जाएगी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही शो करने में, लेकिन यहाँ सारी की सारी जो अपने जो सेलेक्ट की वो आप देख सकते हो यहाँ पे। इसको अगर इंटरफेस को अपन ऐसे करें तो सारी की सारी जो है वो आपको जितनी भी हमने जो उस लिस्ट में हम बताएंगे। सबसे बड़ी बात कि भैया इस लिस्ट के अंदर क्या सर प्राइवेट कॉलेज आ सकती, नहीं, अपन ने पहले कर लिया। अगर वहां पे आप लोग 5 के अलावा और कोई चुनते तो यहाँ पे नाम आता, नाम आने की कोई संभावना ही नहीं है, इस बात का अपने को ध्यान रख लेना है। ये जो है आप लोगों के पास में सारा का सारा सिस्टम आ चुका है, इसका आप लोग अवश्य रूप से ध्यान रखें। देखिए आप लोग यहाँ ये जैसे कि अपन इस प्रकार से करते रहेंगे तो अपने पास में आते सारी की सारी उधर सेलेक्ट हो रही है। जैसे कि एक बार इधर कर लो, इधर करने के बाद में ये जैसे यहाँ कर ली, अब उसके बाद में आप यहाँ जैसे ही करोगे तो यहाँ कौन सी फिलअप करनी है, अब जैसे नहीं सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, इनको आपको बताते हैं, जैसे ऊपर नीचे वाला थोड़ा लफड़ा पड़ता है ये, इसमें है ना इधर
ये तीर वाला हो जाएगा आपके, ये तो ई मित्र वाला भैया अपने आप कर लेगा, आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। पास में बैठे रहो कि भैया मेरे को ना डूंगरपुर चाहिए, बाड़मेर आप लोग नीचे भरो, फिर वो अपने आप भैया नीचे करते रहेंगे। आप देख रहे हो कि आउटसाइड हनुमानगढ़ मेरे आउटसाइड है। अब लड़कियों के लिए मान के चलो कि लड़कियां चाहती है सर मैं तो मेरे घर के आसपास रहूं, तो भैया आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके नंबर कम है तो आप लोग जो है और इसमें ना आप जैसे ये बिलअप करते हो ठीक है, उसके बाद में ना जैसे यहाँ आपका सर थोड़ा सा इधर की सेव और कंटिन्यू, ये इधर वाला जो आपका ऑप्शन रहता है सेव और कंटिन्यू आप जैसे करते हो तो आपके पास में क्या है मांगेगा फीस, और दो ऑप्शन और आएंगे अगर आप वापस एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो कि उसमें आप लेकिन पैसे कटने के बाद में आपका एडिट नहीं होगा, कोई बाद में आप कुछ भी चेंज एडिट नहीं कर सकते। इसलिए आपको विशेष करके ध्यान रखना इधर वाले जैसे कॉलेज हैं, ये कुछ भी कॉलेज जैसे शो हो रही तो जो आप ऊपर रखोगे जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज जोधपुर, ये अगर आप इसको रख रहे हो ठीक है, ये जैसे ओसिया आ गई इधर है जैसे, हाँ अब इसको सर रहने दो ना, इसको है ना इसको अपन इधर से सीधे ही होगा, आप एक बार छोड़ना नीचे पड़ी हो ये लो, ये सारे की सारी भैया आ ही रही है, आपको दिख नहीं रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कंप्यूटर वाले का काम है। अब अपने को ध्यान रख लेना है कि लिस्ट कौन सी सर हमें लिस्ट बता दो। इसमें आप ध्यान रखना है ये सारी की सारी, वैसे एक अब इसमें इंपोर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है, हम वैसे आपको एक लिस्ट बता रहे कि कौन सी पहले कौन सी भरनी, यही चीज बताने के लिए लेके आए थे कि कॉलेज एग्रीकल्चर भुसावर वेयर नॉर्मल ठीक है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भुसावर वेयर भरतपुर एग्रीकल्चर। अब देखो अगर कोई आप हम उसमें आपको नॉर्मल ही बताएंगे, लेकिन अगर आप कोई लेते हो पेमेंट शीट के नहीं सर मेरा स्कोर कम है और मैं पेमेंट शीट लूंगा, तो पेमेंट शीट में भी कितना पेमेंट लगेगा वो भी आपको मैट्रिक्स हम जो है हमारे टेलीग्राम पे और ऐप के माध्यम से आपको अवेलेबल कराएंगे। ऐप में आप जाओगे तो ऐप डाउनलोड करना, उसमें फ्री मटेरियल जो कंटेंट है उसके अंदर आपको मैट्रिक्स और हमारी पीडीएफ दोनों आपको अवेलेबल रहेगी। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जो नॉर्मल शीट पेमेंट शीट नॉर्मल शीट और इधर देखो पेमेंट शीट, अब अगर आप कोई भरते हो शीट तो आपको क्या करना है कि पहले सारी की सारी नॉर्मल भर लेना पूरी ऊपर सारी की सारी, ऐसे नॉर्मल आनी चाहिए जैसे नहीं दिख रही नॉर्मल ऐसे, और लास्ट में जो पेमेंट शीट लगाना ताकि अगर आप नॉर्मल के एलिजिबल हो तो आपको नॉर्मल मिले, अगर नॉर्मल के एलिजिबल नहीं हो तो फिर लास्ट में जो पेमेंट। अब क्या होता है कि उससे नुकसान ये था कि कॉलेज एग्रीकल्चर सुहाना भीलवाड़ा आपने भर ली और ये आपने और भर ली वापस आपने क्या पेमेंट लगा दी। अब उसके बाद गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज जो गंगा ये जो आपके गंगपुर भीलवाड़ा वाली इसकी कट ऑफ रह गई कम, इसकी कट ऑफ कम रह गई और इसकी जो है वो कट ऑफ क्या है मतलब आपको इस कॉलेज से इस कॉलेज के अंदर वाली जो कट ऑफ है यानी कि इसकी रह गई, आपको थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि आपको जो पेमेंट शीट है वो कैसे भरनी। देखो ये आपके एग्रीकल्चर कॉलेज सुहाना भीलवाड़ा ये आपको जैसे मिल रही है 300 पे ठीक है, और आपने क्या किया गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज जो गंगपुर है या फिर जो आपके सुहाना भीलवाड़ा इसकी कट ऑफ रह रही है 200 ठीक है, और आपके गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज गंगपुर भीलवाड़ा है उसकी कट ऑफ रह रही है आपके मान के चलो आपकी आप ये मान के चलो ठीक है। अब आप अगर आप ये पेमेंट शीट अगर आप पहले भर लोगे तो आपको है ना क्या हो जाएगा कि आपको है ना ये कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, आप इसके एलिजिबल तो थे इसके ये आपको मिल ही रही थी, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा आपको ये पेमेंट शीट आप वहां पेमेंट भरते रहोगे 4 साल, ये आपको इसलिए पेमेंट शीट है वो आपको कब भरनी लास्ट में भरनी और पहले आपको कौन सी भरनी नॉर्मल शीट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो मैट्रिक्स तैयार की उसके अंदर कौन कौन सी कॉलेजों को कैसे व्यवस्थित किया गया। देखो पहले अगर आप देखोगे इधर आप सब्जेक्ट और शीट टाइप सब नॉर्मल आ रहा है, चलो जल्दी करो। अब आप इधर देखोगे तो आपके जो पहली हमने यूनिवर्सिटी भरी है राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, फिर आपके कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर, फिर है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर यूनिवर्सिटी, उसके बाद में आपके एस के एन जोबनेर, लास्ट में पांचवी यूनिवर्सिटी हमने कौन सी भरी है आपके कोटा। नॉर्मल सीट है देखो आप सारी की सारी इधर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से नॉर्मल सीट हमने भर रखी। अब उसके बाद में हमने जो व्यवस्थित किया है वो जैसे कि अपने यहाँ अगर पश्चिम राजस्थान में अगर कोई इधर रहने वाला है तो उसके लिए कौन सी सुमेरपुर कॉलेज है वो नज़दीक पड़ती है, सुमेरपुर के बाद में जो अच्छा कैंपस है वो भीलवाड़ा है, और उसके बाद में आपके एग्रीकल्चर कॉलेज बायतू ले ली है, फिर आपके नागौर है, फिर उनियारा टोंक है,
और कुमेर भरपूर है, जो ओल्ड कैंपस जो है व्यवस्थित तरीके से वो, फिर एक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट है, और फिर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज कौन सी, चिमनपुरा एग्रीकल्चर कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है बाड़मेर, वो ले ली। और उसके बाद में आपके है गुड़ा मालानी कॉलेज है, यहाँ आप देखोगे 16 नंबर पे आप कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, और यहाँ कोष्टक के अंदर देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, हॉर्टिकल्चर, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ फॉरेस्ट्री नहीं होना चाहिए यहाँ कोष्टक के अंदर। बिल्कुल। अब एक बात का मैं और भी आपको बता देना चाहता हूँ, कोई बच्चा ये चाहता है कि सर मुझे तो एग्रीकल्चर में ही करना है, मैं सर हॉर्टिकल्चर की ओर आना ही नहीं चाहता हूँ, चाहे झालावाड़ बहुत अच्छा है मुझे कोई मतलब नहीं है, आप लोगों के झालावाड़ और आपका रारी जो आपका जयपुर दुर्गापुरा के अंदर है, दो आप लोगों के हॉर्टिकल्चर के कॉलेज हैं अपने यहाँ पे, बहुत अच्छे कॉलेज हैं यहाँ पे, और यहाँ से काफी लोग पढ़ के भी पास आउट हो चुके हैं। तो आधों के मन में ये शंका भी रहती है कि सर हॉर्टिकल्चर वालों को जो है क्या आगे एग्जाम के अंदर बैठने नहीं देते ऐसा वैसा, तो मैंने बात कर रखी है वहां से जो पास आउट बच्चे हैं जब अपने साथी हैं उनसे, उन्होंने कहा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एक ही समान है, पर ध्यान रहे फॉरेस्ट्री नहीं भरनी है, हमारी तरफ से मना कर रहे हैं कि मैं तो सर भरूंगा, तो भैया तेरे हिसाब से तू भर ले बस, इतना डिफरेंट है हॉर्टिकल्चर में। अगर आप आगे अगर आप क्या कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो, तो आपको हॉर्टिकल्चर से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सब्जेक्ट, ये बड़ी बात है। ठीक, अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर अब नई कॉलेज खुल गई हॉर्टिकल्चर में, यहाँ पढ़ाई अच्छी होती होगी मैं तो यहाँ चला जाना चाहता हूँ, तो भाई तेरी इच्छा है, तू चाहता है कि सर नहीं मुझे तो एग्रीकल्चर चाहिए चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, तो भैया तू इस हॉर्टिकल्चर को सबसे नीचे लेके आ जा, यही मैं बताने के लिए वापस आया। हाँ, अगर जैसे कि किसी ने क्या कर रखी हो, बीएससी आप कर रहे हो, बीएससी करने के बाद जैसे डबल ए हो गया, एफएसओ हो गया, एएफओ हो गया, ये आप एग्जाम के सर में एग्रीकल्चर वाला ही दे सकता हूँ, नहीं यहाँ है ना हॉर्टिकल्चर वाला भी दे सकता है, जो हॉर्टिकल्चर से जो बीएससी करेगा वो भी दे सकता, लेकिन एमएससी करने के लिए आप दूसरे सब्जेक्ट नहीं दे सकते, ओनली और ओनली आपको कौन सा, हॉर्टिकल्चर के लिए पीपीजी अलग लगता है, वही एग्जाम देना पड़ेगा, और आपको अगर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे भी आपको हॉर्टिकल्चर से ही करना पड़ेगा, बस यही फर्क है। बहुत सारे बच्चे करते हैं जैसे डीएचओ जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर सबसे बड़ी पोस्ट होती है, बहुत सारे बच्चे हॉर्टिकल्चर से बीएससी एमएससी करते, तो यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं है कि सर ये कौन सा एक नया लफड़ा आ गया। हाँ, फॉरेस्ट्री में थोड़ा स्कोप कम है, बाकी आप धीरे धीरे, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ आप देख लीजिए, और बाकी रही बात हम पीडीएफ है वो आपको ऐप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से और ग्रुप के माध्यम से आपको पहुंचा देंगे, आप देख लीजिए सबकी सब हमने आपको नॉर्मल कॉलेज नॉर्मल सीट पे डाल रखी है, और ये आपके सामने मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ से कोई लिस्ट बनाते हो तो वीडियो को रोक के आप लिस्ट बना सकते हो, और उसके बावजूद भी अगर आप लिस्ट अगर आपको लिस्ट नहीं प्रोवाइड हो रही तो आप जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उन पे आप इन्फॉर्म कर सकते हो, हम आपको भेज देंगे। ये अब इसमें क्या है लास्ट आप देखोगे तो इसमें ना कि ये आपके 68 जो कॉलेज यूनिवर्सिटी वो फिलअप हो गया, उसके बाद में क्या ये सभी कॉलेज बच्चों के लिए क्षेत्र के हिसाब से बनाई गई, यानी कि आपके क्षेत्र के हिसाब से इनमें विद्यार्थी अपने क्षेत्र के अनुसार फेर बदल आप भी कर सकते हो, खुद भी इसमें कुछ भी आपको अगर फेर बदल करना कर सकते हो, इसमें सभी सरकारी कॉलेज को सम्मिलित किया गया। ठीक है, कुछ जिलों में एक से अधिक सरकारी कॉलेज है तो कृपया वरीयता सूची के अनुसार चयन करें, कुछ जिलों के अंदर जैसे आप देख रहे थे भरतपुर गंगपुर भरतपुर भी था, सुहाना भरतपुर भी था, सॉरी अपने भीलवाड़ा, ठीक है, तो भीलवाड़ा के अंदर गंगपुर में अलग है और एक सुहाना के अंदर अलग कैंपस है, तो उसमें आप विशेष करके आप ध्यान रखना कि आपको अब काउंसलिंग फीस मैंने आपको बता दी कितनी है 5000 रुपये, जिन विद्यार्थियों ने 2022-23 में 12वीं पास कर लिए उन्हें काउंसलिंग किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता काउंसलिंग में नहीं है, अब आप जाओगे तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जाने, ठीक है, और जिन्होंने 2023-24 में यानी कि अभी लेटेस्ट जो 12वीं पास की उन्हें मार्कशीट स्कैन करनी पड़ती है, ठीक है, 29 नई गवर्नमेंट कॉलेज 2022-23 में जो ओपन हुई थी और 7 अभी न्यू कॉलेज जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है जिनका भवन क्या है निर्माण हो रहा है, और 2024 भी इस लिस्ट में शामिल है, 23-24 वाली जो अभी भी जो खुली है तारानगर है, ठीक है, और चूरू वाली है वो भी इसके अंदर शामिल है, तो ये आपके सामने है कॉलेज का लिस्ट। और दूसरी अब हम आपको जो गवर्नमेंट जो मैट्रिक्स है वो एक बार आपको बता देते हैं, ये गवर्नमेंट मैट्रिक्स है ये, अब इसमें और उसमें बहुत डिफरेंट है आप देखोगे तो मैं आपको अब यहां थोड़ा सा पेमेंट शीट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो आप देखोगे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर, कॉलेज एड्रेस जोधपुर के अंदर स्थित है, टाइप ऑफ सीट नॉर्मल, नंबर ऑफ सीट नॉर्मल यानी कि एन और पी,
यहाँ देखो कि दोनों की दोनों आपको बता रही, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर, लेकिन यहाँ एन और पी यानी कि नॉर्मल सीट, यहाँ टोटल सीट नॉर्मल है 74 और पेमेंट भी कितनी है 32, यहाँ टोटल जो स्टूडेंट बैठेंगे 74 और 32, ठीक है, उनमें कोई डिग्री में कोई फर्क नहीं है, डिग्री सेम की सेम है, लेकिन बस यहाँ बच्चे का जो है वो आप अगर अमाउंट देखोगे तो यहाँ नॉर्मल सीट 15,350 रुपया आ रहा है, ठीक है, कितना है देखिए आपको अगर थोड़ा सा क्या बड़ा इसलिए आपको अगर छोटा ज्यादा इसलिए नजर नहीं आ, यहाँ 15,350 रुपए और यहाँ कितना है पेमेंट सीट पे 41,850 रुपए, ये आपको साल की जो फीस है वो आपको नॉर्मल सीट पे आपको 15,350 है, अगर आप पेमेंट पे अगर आप जोधपुर यूनिवर्सिटी ले रहे हो तो 41,850। भैया ये सेमेस्टर की फीस है, एक साल में दो सेमेस्टर है, तो आप 41,850 प्लस 41,850 तो 12 महीने की फीस लगभग 83,000 के आसपास पहुंच जाती है, इस बात को भूले नहीं। दूसरी बड़ी बात मैं आपको एक और बता देना चाहता हूं, कुछ बच्चे अपने हमारे यहाँ भी हैं, कुछ आपके भाई बंधु भी होंगे, वो सर चाहते हैं कि सर मेरे को तो हॉस्टल मिलनी चाहिए, कुछ गर्ल्स ऐसी कि सर हमें तो हॉस्टल मिलनी चाहिए, तो आप लोग पहले तो 5 यूनिवर्सिटी भरने के बाद में आप लोग जहां जहां हॉस्टल है तो उन्होंने बता रखा है कि हॉस्टल की पर सेमेस्टर की फीस लगेगी 10,670 रुपए जोधपुर के अंदर यहाँ पे है, तो वो लोग मतलब वहां पे हॉस्टल है तो सीधी सी बात है आप लोगों को दिक्कत वाली बात नहीं है, 10,000 पर एक सेमेस्टर के, दो सेमेस्टर के कितने हो गए 10,670 प्लस 10,670 दो बार लगेंगे, इसके अंदर एग्रीकल्चर स्ट्रीम लगेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ वाले बच्चे आ सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो वाले बच्चे आ सकते हैं, ध्यान रख लेना हमने डेयरी वाला को नहीं भरवाया है, डेयरी वाले के अंदर वैसे मैथ वाले बच्चे जाते हैं, इस वजह से कोई भी गलती से ना करें। आपको हॉस्टल लेना कोई जरूरी नहीं, देखो हॉस्टल इज कंपलसरी और नॉट, यानी कि आप ले सकते हो तो आपकी मर्जी, नहीं लेना हो तो नॉट, कोई कंपलसरी आपके लिए हॉस्टल नहीं है, ठीक है, लेकिन हॉस्टल सुविधा जहां जहां दे रखी है वो आप देखोगे जहां जहां हॉस्टल सुविधा, यहाँ अगर हॉस्टल सुविधा है ही नहीं, जैसे आपके इधर अगर देखोगे कॉलेज, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायतू, अब बायतू का अगर आप यहाँ देखोगे तो हॉस्टल के अंदर खाली है, आप देख लो यहाँ पे, ठीक है, और ये जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंडर में आ रहा है, इसलिए बायतू की पेमेंट फीस 15,350 है और वापस पेमेंट फीस 41, नॉर्मल 15 है ना, उसके बाद में पेमेंट 41 है, 41,850 सेम टू सेम है, यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर में आने वाली जो कॉलेज है उनकी फीसें बिल्कुल कंपल है, एक सरी है, ध्यान रखना आप। हाँ, अब आपके जो मैट्रिक्स दी गई उसके अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी प्राइवेट भी शामिल की गई है, इसमें आप देख लो, एक मिनट आपको एक ही बताते हैं, कोई ना कोई आपको यहाँ आएगी, MD, MB, DDS, महिला कृषि, ठीक है, महाविद्यालय 12, ठीक है, यहाँ अगर कोई किसी के नाम से अगर आ रही है और राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मतलब गवर्नमेंट अगर नहीं आ रहा वर्ड तो आप देख लो, ये आरसी का नाम आ गया आपके, और ठीक है, तो यहाँ अगर आपको गवर्नमेंट या फिर जैसे आप फिशरीज देख लो, कॉलेज ऑफ फिशरीज उदयपुर, यहाँ फिशरीज जो मत्स्य पालन से जो करना चाहता है, जैसे आप लोग जैसे इस मैट्रिक्स को देखोगे भैया आपका ज्यादा समय ले रहे हैं, माफी चाहेंगे, लेकिन करें क्या, काउंसलिंग जैसी चीज है थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ आप लोग देखोगे तो लास्ट वाला पेज स्टार्ट हो रहा है 157 क्रमांक से, 157 से लेके 176 पूरी की पूरी प्राइवेट है, कोई भी बच्चा गलती ना करे, ये बहुत बड़ी बात है, प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, ये अगर बच्चे फीस ज्यादा हो जाएगी तो थोड़ा ध्यान रखें, ये सेमेस्टर की कितनी ले रहे हैं 35,000, दो सेमेस्टर की कितनी हो गई तो अपने को बता देना, जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी है तो वो कितनी ले रही है 35 ले रही है एक सेमेस्टर की, दो सेमेस्टर की कितनी हो गई 70 और 45,000 रुपए 6 महीने के इनके हॉस्टल फीस है। अब देखोगे यहाँ टोटल 10,849 और हमने तो आपको कितना 3,891 ही बताए थे, ठीक है, नॉर्मल सीट तो ये सारी की सारी, ऐसे आप प्राइवेट जाते हो तो प्राइवेट की आजकल क्या मान्यता नहीं है, फिर बाद में आप डिग्रियां करके, डिग्री तो आप लेके आ जाओगे उसके बाद में आपको पता चलेगा कि हम तो कहाँ चले गए, महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी, और वहां जैसे आपको एग्जाम देते हो, एग्जाम के बाद में जैसे आपका एंट्री होता है वहां आपकी डिग्री चेक होती तो बोलते हैं कि भाई ये तो डिग्री मान्य नहीं, इस वजह से आपको अगर डिग्री करनी है 4 साल अगर आप टाइम बर्बाद कर ही रहे हो तो फिर आपको गवर्नमेंट के अंदर करें ताकि आप 4 साल बाद में आपकी डिग्री काम आए, नहीं तो आप 12वीं के पास ही पास रह जाओगे, आपकी कोई डिग्री काम नहीं आनी, ये विशेष करके आप ध्यान रखें। ये आपका मैट्रिक्स था, यदि हम समय आपका नहीं खराब करेंगे क्योंकि आधे घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, जो भी चीजें थी आपकी डाउट एक बार क्लियर हो चुके, अब जो भी आप है वो ध्यान रखिए इसका स्पेशली, बिल्कुल
सर का भी धन्यवाद, सर ने अपने पास में जो भी चीजें थी वो साझा करी, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना है। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं, जो भी साथी जो हैं जिनके कम नंबर आए हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। CUT और JET के अपने साकार एग्री इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच आने वाली 16 अगस्त को स्टार्ट किए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश और नए बैच हैं, और उसके बाद हम गारंटी बैच भी लेंगे जिसके अंदर आप लोग जुड़े। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को अच्छी तरीके से वर्ष भर तैयारी की जाएगी, और ये दावा है अपना कि आप लोगों को इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचाने का जो आपका सपना है उसको अपन साकार करके रहेंगे। साकार की टीम के साथ में आप लोग ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों मोड में जुड़ सकते हो। साकार एग्री इंस्टीट्यूट SAKAR साकार के नाम से आप लोगों के पास में प्ले स्टोर के ऊपर ऐप भी अवेलेबल है, आप लोग यहां से कर सकते हो। साकार एग्री इंस्टीट्यूट बाड़मेर, ये जो है इस प्रकार का आपके पास में लोगो होगा। आने वाली 16 अगस्त को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश एवं नया बैच JET ICR एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। आप ICR तो मर्ज हो चुका है, इसका मतलब वही है BHU वगैरह इनके सारे के सारे साथ में हैं, और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो अपने नंबरों पर, यहाँ आप लोगों के पास में दिख रहे हैं। ठीक है सर साथियों, जय हिंद, धन्यवाद।